हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी और यमी कस्टर्ड जेली शरबत। जेली मैंने बिना जेली पाउडर के, बिना अगार अगार, बिना किसी जेलेटिन के बनाकर तैयार किया है। बहुत यमी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होममेड जेली बना लेंगे। तो एक कप यानी कि पाव लीटर मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। 2 से 3 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया और 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है मैंने। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम अभी ऑफ है, बस बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए ताकि इसके सारे लम्प्स डिजॉल्व हो जाएं। अब इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून भर के चीनी ऐड की है। आप चाहें तो 4 टेबलस्पून यानी कि पाव कप तक चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने गैस का फ्लेम अभी ऑन किया है इस वक्त, और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें बड़े बड़े गांठे पड़ जाएंगी। ये देखिए, इसमें ये जमने लगा है। तो इसको बहुत तेज़ी से आपने मिक्स करते रहना है लो फ्लेम पर, और ये इस तरह से तैयार हो गया है। जैसे ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो लो मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहें कम से कम 1/2 से 1 मिनट के लिए, ताकि कॉर्नफ्लावर कच्चा ना रहे इसमें। बस ये तैयार हो गया है, हल्का सा उबाला भी आ गया था इसके अंदर। तो बस अब इस समय आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। मैं यहाँ पे रोज़ एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। रोज़ एसेंस 2 से 3 बूंद ही मैंने ऐड किया था। आप चाहें तो कोई दूसरा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करके साइड में हम रख देते हैं। इसको अभी हम गरम गरम में ही इसमें कलर ऐड करेंगे। इसको ठंडा होने का वेट नहीं करना है, वरना ये सेट होने लगेगा। तो 1 पाव कप के आसपास मैंने यहाँ पर निकाल लिया है साइड में। इसमें मैं अभी लिक्विड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो एक ही कलर का बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 से 4 अलग अलग कलर का बनाया था, इसलिए मैंने हर थोड़े थोड़े पोर्शन में अलग अलग कलर ऐड करके फिर बनाया है। पहले मैंने ऑरेंज ऐड किया था, और अब मैं इसको यहाँ पे एक प्लेट में पोर कर रही हूँ। प्लेट को ग्रीस नहीं किया था मैंने, बस इसी तरह से ऐड कर लिया है। थोड़ा सा स्प्रेड कर ले, थोड़ा सा टैप कर ले ताकि ऊपर से इवन हो जाए, और फिर आपने इसको साइड में रख देना है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा पोर्शन लिया है 1 पाव कप के आसपास। इसमें मैंने रोज़ रेड कलर डाला है, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपने जल्दी जल्दी करना है। अगर कॉर्नफ्लावर ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और फिर इसको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे प्लेट में ऐड कर लिया है। थोड़ा सा स्प्रेड कर लें इसको, थोड़ा सा टैप कर लें ताकि वो अच्छे से इवन स्प्रेड हो जाए, और साइड में रख दें। इसी तरह से मैंने ग्रीन भी बनाया था, और लास्ट में मैंने येलो भी बना लिया है। तो ये सारे बनकर तैयार हो गए। इसको अब आपने रखना है डीप फ्रीज़र में कम से कम 1/2 घंटे के लिए। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने 1 टेबलस्पून सब्जा लिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी, और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको 1/2 घंटे के लिए साइड में रख दें, ताकि इसके बीज बहुत अच्छे से फूल जाए। तो बस अभी यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ पानी लिया है 1/2 कप। आप चाहें तो दूध ही ले सकते हैं, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पर येलो वेनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो दूसरा कोई भी, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है या कोई दूसरा फ्लेवर जो आपके पास अवेलेबल है, आप वो ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इसको, और साइड में रख देते हैं। दूध लिया है मैंने 1/4 लीटर 750 ml, और इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा कम चीनी ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1/2 कप तक ऐड कर लें। बस इसमें तेज़ी से उबाल आ गया है, तो ये जो कस्टर्ड मैंने बनाया था पानी में ऐड करके, कस्टर्ड पाउडर, इसको बहुत धीरे धीरे से इस तरह से एक धार में आपने छोड़ना है, और लो फ्लेम रखें। एक हाथ से आपने ऐड करना है, दूसरे हाथ से आपने मिलाते जाना है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उसमें लम्प्स पड़ जाएंगी। इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक कर लें, ताकि कस्टर्ड पाउडर इसमें कुक हो जाए और ये अच्छे से थिक हो जाए। इसके बाद आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। इसको ठंडा करके फिर आपने चिल कर लेना। अभी यहाँ देखिए, मैंने 1/2 घंटे के बाद फ्रीज़र में से निकाल लिया है। जेली अच्छी तरह से सेट हो गई है, तो इसको आपने कट कर लेना है। मैं यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इसको आप थोड़ा सा इस तरह से स्क्रेप करके निकाल लें, और इसको आपने इस तरह से अलग अलग कर लेना है। कोई भी फ्लैट स्पून से आप उसको स्क्रेप कर लें, तो ये आराम से निकल आएगा। जैसे ये दूध में जाएगा तो ये आराम से अपने आप अलग अलग हो जाएंगे, और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो सारे इसी तरह से आपने कट करके रेडी कर लेने हैं।
मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर की जेली बनाई है, अगर आपके पास कोई एक कलर अवेलेबल है तो आप एक कलर का भी बना सकते हैं। दूध भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ठंडा हो गया है, 2 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से निकाला है। इसमें ऐड कर दिया है सब्जा जो मैंने भिगो दिया था, और जो भी हमने जेली बनाई है वो सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसको मिक्स करते जाएं। तो मैंने ऑरेंज ऐड किया, उसके बाद मैं ऐड करी हूँ रेड, ग्रीन भी ऐड कर देंगे हम और येलो। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इसको। ये देखिए, ये आराम से अभी इसमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ है। अभी आपने इसको सर्व कर लेना है। आप इसको स्टिल सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आसान सी रेसिपी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसको मैंने गार्निश कर लिया है थोड़े से बादाम और पिस्ता के कतरन के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।